सॉरी, और उसका फ्रेंड क्या नाम है, कुलदीप। तो हम तीन के तीन लोग अभी ये हमको गाइड करेगा। तो ये कहता था कि आप अगर बोटिंग से गंगा आरती देखोगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट में, अस्सी घाट से हम बोट में जाएंगे और सारे के सारे घाट आज घूमेंगे नदी के साथ, मतलब बोट से। से स्टार्ट होगी हमारी यात्रा बोट में। आप देख रहे हो हमारी बोट चल रही है और ये लोग तुल्लुत को ले रहे हैं फोटोकॉपी का, दोनों भाई। तो अभी हम लोग बोट पे जा रहे हैं यहाँ से मणिकर्णिका घाट और साथ में हम लोग देखेंगे वहाँ से गंगा आरती दशमेश्वर घाट में और वापस आ जाएंगे हम लोग अस्सी घाट। इसके लिए हम लोगों ने 600 रुपये बार्गेनिंग करके 200 रुपये पर पर्सन। अभी क्या है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सीज़न कम है, वैसे एक बंदे का अगर शेयरिंग बेस पर आ रहा है तो 50 रुपये पर हेड जाता है और जब पूरी बोट जाती है तो कम से कम 1200 रुपये में ऐसे बुकिंग होके यहाँ से जाती है अस्सी घाट से मणिकर्णिका घाट। टोटल 84 घाट हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंचकोट घाट, ठीक है, और ऐसे ही वहाँ पर लिखा है निषाद घाट लिखा हुआ है पंचकोट। तो उधर 80 घाट था, वो 80 नंबर का घाट था इसलिए उसका नाम 80 घाट था। तो ऐसे बीच बीच में सारे घाट देखेंगे, ये प्रमुख घाट है, ऐसे करके पूरे टोटल 80 घाट है यहाँ पे। तो उसके बाद टोटल है 84 घाट है, लेकिन 80 घाट ऐसे छोटे छोटे 80 घाट ऐसे हैं। तो उसके बाद जो चार घाट हैं तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं, जो मेन चार घाट है, ये 80 तो छोटे छोटे घाट हो गए और मेन जो चार हो गए, एक राजा हरिश्चंद्र, दूसरे नंबर का दशमेश्वर घाट और तीसरे नंबर का मणिकर्णिका घाट। तो आप सामने देख रहे हैं, ये है राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे देखिए एक बनारस एक ऐसी जगह है पूरे इंडिया में जहाँ पर 24 घंटे दाह संस्कार होता है। तो उसी में से फेमस है हरिश्चंद्र घाट, जो राजा हरिश्चंद्र सतयुग में सत्य के लिए फेमस थे उनके नाम पे बना हुआ घाट है और यहाँ पे होता है दाह संस्कार। बताया जाता है कि यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र के नाम पे जो दाह संस्कार का जो रेट है वो कुछ ज़्यादा है। और देखिए अभी अभी वहाँ पर तीन चिताएँ जल रही हैं, भगवान दिव्यांगत आत्माओं को की आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी ओर से यही कामना है, और उनके परिवार वालों को बल दे इस दुख की घड़ी में सहने का। तो हम 80 घाट से करीब बहुत आगे आ चुके हैं और वो देखिए आप पूरे बनारस शहर का नज़ारा, ये सारे घाट हैं, जो घाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उधर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट जली हुई है वो दशमेश्वर घाट है बता रहे हैं जैसे, तो वहीं पर ही वो गंगा आरती होती है, फेमस होती है, और उधर ही कहीं पर मणिकर्णिका घाट भी है। तो ये हमारा है दशमेश्वर घाट, दशमेश्वर घाट। ये देखिए वहाँ पर अभी ऊपर गंगा माँ का मंदिर है, अभी यहाँ पे इसी घाट के किनारे होगी
गंगा माँ की आरती जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये घाट सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि राजा दशरथ ने यहाँ पर यज्ञ किया था। राजा दशरथ ने यज्ञ किया था इसलिए इसका नाम राजा दशरथ के नाम पे पड़ा हुआ है। तो ये सामने है मणिकर्णिका घाट पूरा, आप देखिए यहाँ पर भी अंतिम संस्कार हो रहा है। ये भी अंतिम संस्कार के लिए ही जाना जाता है मणिकर्णिका घाट। ये महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे फेमस है मणिकर्णिका घाट। अभी कब जब चिताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है हरिश्चंद्र घाट में या इधर मणिकर्णिका घाट में, तो इधर भी इधर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी चिताओं का दाह संस्कार किया जाता है। 24 घंटे यहाँ पे भी यहाँ भी 24 घंटे दाह संस्कार होता है। देखिए वहाँ पे वेटिंग चल रही है, अभी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं लाइट वाला एक क्रूज टाइप का है छोटा सा, इसका जो रेंट है वो 800 पर पर्सन है। आप इसे बुक कर सकते हैं। ये आपको 80 घाट से पूरा ऊपर राजघाट से घुमा के शाम को आरती दिखाते हुए वापस 80 घाट छोड़ेगा। ये काफ़ी खूबसूरत है, शायद AC होगा ऐसा लग रहा है। हाँ AC है, तो ये काफ़ी खूबसूरत है। अभी पास आने तो आपको और दिखाई देगा कि ये कितना खूबसूरत है। इसमें आगे पायलट आइट सब कुछ है, एक किनारे पे बोट भी लगी हुई है। अब इसका जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से ऑनलाइन है, इसे वो करना, अगर आपको बुकिंग करनी है तो उसको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। अब उसका प्रोसेस मैं जानता नहीं हूँ, तो आप वो देख लेना। लेकिन देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से ज़्यादा यहाँ पर रात के टाइम पे गंगा जी में 80 घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक आने में व्यू काफ़ी अच्छा है और सुख शांति काफ़ी है। ये देखिए ये पूरा कुछ अलकनंदा काशी, अलकनंदा नदी के नाम पे अलकनंदा काशी है, अलकनंदा डिवाइन वॉयज। तो ये पूरा कुछ इसमें जा रहा है। तो पूरा AC है बस की तरह, आप देख सकते हैं। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. तो सामने देखिए आप गंगा आरती लाइव, और देखो साथ में बारिश भी होने लगी है। मैं आपको दोबारा उधर घाट के पास जाके दिखाता हूँ। अभी आरती कुछ देर में मैं उतरूंगा, क्योंकि बारिश होने लगी है तो मैं उतरूंगा और वहाँ घाट के पास जाके दिखाऊंगा आपको। सामने हो रही है देखिए आरती बिल्कुल लाइव यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये। और लोग इतर बितर हो गए हैं, बहुत तेज बारिश हो रही है साथ साथ में। तो ये है पूरा गंगा आरती बनारस की। पहले वहाँ पे टोटल 7 लोग आरती करते थे, लेकिन अभी क्या है कि वहाँ पे सिर्फ 1 लोग कोरोना की वजह से 1 लोग कर रहे हैं। और उधर भी आरती चल रही है सामने, वहाँ पे पहले 3 लोग आरती करते थे, अब वहाँ पे भी सिर्फ सिंगल है सिर्फ कोरोना की वजह से। तो ये है पूरा बनारस की गंगा आरती। देखिए ऐसे सारी नावें यहाँ पर रुक जाती हैं और ये आपको पूरा राजघाट घुमाते हुए लेके आती हैं, और सारी नाव वाले यहाँ से नाव में बैठ के देखते हैं आरती। तो ये थी बनारस की फेमस गंगा आरती। तो ब्लॉग बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों, इसलिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अलविदा।